बिहार के राजेंद्र नगर टर्मिनल से गुवाहाटी जा रही कैपिटल एक्सप्रेस के दो डिब्बे बीती रात पश्चिम बंगाल में पटरी से उतर गए, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और करीब 34 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा रात करीब 9 बजे हुआ है। वही हादसे के पीछे प्रमुख कारण ड्राइवर की लापरवाही माना जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने बयान जारी किया है कि प्राथमिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर ने सिग्नल को नजरअंदाज किया, जिसके चलते ये घटना घटी। वहीं इस हादसे के बाद आगमन और प्रस्थान दोनों खंडों पर रेल यातायात बंद कर दिया गया है और परिवर्तित मार्ग से रेल चलाई जा रही है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 कोच कानपुर के पास पुखराया में पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में करीब 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर थी, वहीं कई लोग घायल हो गए थे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कुछ ऐसा ही यहां हुआ है। प्राथमिक तौर पर हादसे के पीछे ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही है, जिसके चलते अभी तक दो लोगों की मौत हो चुकी है और अस्पताल में अभी भी कई लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। देखते रहिए डीबी लाइव।